ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंघी जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि संचिता जी क्या कुछ बताएंगी आज आपके भविष्य के बारे में राशि के अनुसार। सबसे पहले शुरुआत मेष राशि आपसे। तो यहाँ पे हम एक कार्ड निकाल लेते हैं मेष राशि के लिए। तो आज का जो मेष राशि का कार्ड आया है, बोल रहा है आज कुछ मन में इनकी बात हो सकती है, ये किसी से नाराज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आदमी है जिसे मुंह मोड़ रखा है चीज़ों से, पर आसपास ये देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनकी बात समझते हैं। तो इसमें मैं बोलूँगी आज का जो दिन है इनके लिए हल्का नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा, कि ये हमारे थ्रोट चक्रा का कलर होता है, कि जो भी ये बात कहें वो अच्छे से अपनी बात कह पाए, तो हल्का नीला रंग इन्हें ज़रूर पहनना चाहिए जी। तो हल्का नीला रंग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो बात आप अपनी रख पाएंगे। और चलिए अब वृषभ राशि आपके लिए जानते हैं जी। तो इनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन है, बोल रहा है स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है, कि अच्छा सा कार्ड है ये, कि आपका दिन बहुत स्मूथली और स्टेबिलिटी के साथ जाएगा। कोई परेशानी या कोई दिक्कत आने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर में अगर इनस्टेबिलिटी थी, अगर बहुत सारी परेशानियाँ थी पहले, तो बोल रहा है अब जल्द ही वो परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और करियर में भी ज़रूर स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग बहुत अच्छा रहेगा जी। तो लाल रंग आपके लिए अच्छा रहने वाला है, करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और अब मिथुन राशि अब आपके लिए जानते हैं जी। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए हमारे कार्ड्स में आज क्या है, तो बोल रहा है यहाँ पे धन की थोड़ी समस्या आ सकती है, ऐसा हमारा कार्ड आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम कॉइन्स देख सकते हैं, ये मनी से रिलेटेड हमारा कार्ड है। और यहाँ पे ये आदमी है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ पर रिजल्ट्स अभी मिल नहीं रहे हैं। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, व्यापार में बहुत समय दे रहे हैं और अगर रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी यहाँ पे कार्ड में है कि अभी आप मेहनत करते रहें और फल की चिंता ना करें, समय के साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये समय भी टल जाएगा। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो मेहनत आपको करते रहना है और इसी मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर बुरा समय है तो उस बुरे समय को थोड़ा सा पेशेंस से निकालिए, देखिए ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। तीन राशियों की बात हो गई है और अब आगे बढ़ते हैं। कर्क सिंह कन्या आपके लिए जानते हैं। कर्क, सबसे पहले आपके लिए जी, जो कर्क राशि है उनके लिए हमारे कार्ड्स में आज क्या खास है, तो कार्ड्स में बोल रहा है आज का जो दिन है वो बदलाव लेकर आएगा। इसमें बोल रहा है आज कुछ दिन है कि अगर बहुत समय से कोई चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, या कोई फैसला लेना चाह रहे थे कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या घर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा उस चेंज के लिए। क्योंकि कई बार होता है हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। तो बोल रहा है अगर बहुत समय से आपके मन में था, तो ये समय बहुत अच्छा है कि आप वो चेंज अपनी लाइफ में लेकर आए। इसमें बोल रहा है आपको ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अभी, और वाइट कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर आप अवॉइड कीजिएगा, वाइट कलर पहनिएगा और लाइफ में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन इस चेंज से परेशान मत होइएगा। और अब सिंह राशि आपके लिए जानते हैं जी। जो सिंह राशि है उनके लिए हमारे कार्ड्स में आज क्या खास है, तो सिंह राशि के लिए भी बोल रहा है कि अभी का जो समय है इसमें कुछ अंत होता मुझे नज़र आ रहा है। जैसे हम कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी तलवारें हैं, तो कई बार लोग डर जाते हैं कि इसका क्या मतलब है हमारे इस कार्ड का। तो बोल रहा है किसी चीज़ का अंत जहाँ होता है वहीं पर नई शुरुआत भी होती है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है। हम बोल सकते हैं आपका जो बहुत समय से जो परेशानियाँ आ रही थी, जो समय ख़राब चल रहा था, उसका अंत हो रहा है और एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग मुझे आज के दिन होती है आपके लिए दिख रही है। आपके लिए भी मैं बोलूँगी वाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा जी। तो पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपकी आज हो जाएगी और उसके लिए आपको तैयार भी रहना है, पॉजिटिव भी होना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं या चाहते हैं उसके लिए ये शुरुआत बहुत अच्छी है। कन्या राशि अब आपके लिए जी। जो कन्या राशि के लोग हैं
उनके लिए कार्ड में आज आ रहा है कि कन्या राशि, अगर आप किसी काम से घर से निकलते हैं तो आज आपका वो काम ज़रूर बन जाएगा। इसमें बोल रहा है बहुत समय से आप या तो कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे या किसी काम से अगर आप शहर से बाहर जाना चाह रहे थे तो अब आपका समय ठीक है कि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है कि करियर से रिलेटेड जो कार्ड आ रहा है कि अगर आप करियर के लिए या जॉब के लिए बिजनेस के लिए कहीं जाते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के दिन आपके लिए मैं लकी कलर बोलूँगी येलो रहेगा। जी, येलो कलर यानी पीला कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम है आपके जाने के लिए। तीन राशियों की भी बात हो गई, हमने छह राशियों के बारे में जान लिया, कन्या राशि आपके लिए जाना, कर्क सिंह आपके लिए भी जान लिया। अब आगे की छह राशियों की बात करते हैं, तुला वृश्चिक धनु तुला, सबसे पहले आपके लिए जानते हैं। जी, जो तुला राशि के लोग हैं उनके लिए हमारे कार्ड्स में आज क्या खास है, तो बोल रहा है तुला राशि के लिए बोल रहा है कि आज का जो दिन है वो आगे बढ़ने का दिन है, फ्यूचर के बारे में सोचने का दिन है। कि बोल रहा है बहुत समय से आप जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं लेज़ी हो गए थे कि कोई सामने से आके कोई आपको कुछ काम बोल देता है तो ही आप कर रहे हैं, तो बोल रहा है अब का जो टाइम है थोड़ा प्लानिंग के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। और ये भी कार्ड जो है हमारा करियर से रिलेटेड आ रहा है कि अगर आप करियर को लेके कोई बड़ा फैसला आज के दिन लेते हैं कि आपको ये काम करना है या आप इस व्यापार में घुसना चाहते हैं तो बोल रहा है आज का जो दिन है उसकी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें बोल रहा है अगर आप किसी के साथ मिल के काम करते हैं जैसे तो भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपके लिए भी मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और किसी के साथ पार्टनरशिप अगर आप रखते हैं, किसी के साथ मिलजुल के काम करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए हमारे कार्ड्स में क्या है, तो बोल रहा है अभी का जो टाइम है इसमें जैसे हम देख सकते हैं एक आदमी है जो लालटेन लेके खड़ा हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि आप लालटेन लेके जब आप घूम रहे हैं मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हैं, अभी आपका जो मन है किसी एक चीज़ में लग नहीं रहा है। तो अभी का जो आपका समय चल रहा है उस हिसाब से यही दिख रहा है कि अभी आपका मन जो है काम में, घर परिवार में, चीज़ों में कम लग के कहीं ना कहीं आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, कुछ एक्साइटिंग, कुछ नया आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बोल रहा है अभी का जो समय थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपको भी जल्द ही आपकी दिशा ज़रूर मिल जाएगी। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, तो हरा रंग आपके लिए अच्छा है और जो आप काम करना चाह रहे हैं उसकी दिशा भी आपको जल्द ही मिलती हुई नज़र आएगी। और अब धनु राशि आपके लिए जानते हैं, आपके लिए क्या खास है। जी, जो धनु राशि है उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो धनु राशि का यहाँ पे फैमिली का कार्ड आ रहा है कि हैप्पी हाउस का कार्ड आ रहा है कि घर में कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हैं, घर परिवार में आपसे कुछ लोग मिलने आ सकते हैं, दोस्त रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं, तो घर में एक अच्छा खुशी वाला माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें बोल रहा है कि घर में सबके साथ आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़े मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी आपका लकी कलर रहेगा रेड। जी, और अब आखिरी तीन राशि मकर कुंभ मीन आपके लिए जानते हैं। सबसे पहले मकर आपके लिए जानते हैं। जी, जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो मकर राशि के लिए बोल रहा है कि कोई पास से प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार का कॉल आ जाना या कहीं ना कहीं जहां आप हमेशा आके अटकते हैं वो चीज़ फिर से हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर पास से कोई प्रॉब्लम आती है हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और सीधा आगे बढ़ना चाहिए, फ्यूचर के बारे में आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी से हमारी जो है लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे। उसी वजह से आपके लिए भी मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। येलो कलर आपके लिए अच्छा है और अपना फ्यूचर सोचिए, अपने बारे में सोचिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। कुंभ राशि आपको क्या करना है ये भी जानते हैं। जी, जो कुंभ राशि के लोग हैं इनके लिए बोल रहा है मनी कमिंग का कार्ड आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड होता है हमारे कि आगे से जो है आपके अगर कहीं पैसे अटक रहे थे या कुछ समय से किसी ने आपसे उधार ली हुई थी तो वो पैसे आपके वापस आ सकते हैं। और आगे से यहाँ से बोल रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है कि जिससे आप थोड़ा सा धन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सामने से कोई जॉब ऑफर आना या कोई
बिजनेस का ऑफर आना, तो सामने से कोई चीज़ जिससे हमें धन का लाभ होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आज के दिन आ सकती है। तो आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही ना छोड़ें और सोच समझ के फैसले लें। इसमें मैं बोलूँगी हरा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा रंग आपके लिए अच्छा है, और मीन आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है ये भी जानते हैं जी। जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मीन राशि का जो आज का दिन है, बोल रहा है आज का दिन जो है आपको मेहनत करने वाला दिन है, कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक आदमी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ये कार्ड आ रहा है। तो इसमें बोल रहा है आज का जो दिन है, जो भी आप काम करें पूरे दिल से करें, पूरी मेहनत से करें, और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें मैं बोलूँगी आपके लिए भी नीला रंग अच्छा रहेगा जी। तो नीला रंग आपके लिए अच्छा है, पूरे दिल से पूरी मेहनत से अपना काम कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के टैरो टिप की जी। तो जैसे आज का जो दिन है हमारा संडे है, घर परिवार वालों का दिन रहता है आज का, तो कई बार ऐसे लोग हमें लिखते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, हमारे घर में परेशानियां होती हैं, सबके मन नहीं मिल पाते और कहीं ना कहीं क्लैशेस बहुत होते हैं, तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो वास्तु टिप जैसे आज मैं देने जा रही हूँ, जो हमारे रिलेशनशिप का डायरेक्शन होता है वो साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट बहुत अच्छा डायरेक्शन है, कि वहाँ उस साउथ वेस्ट दीवार पे अगर आप अपने घर की फ़ोटोज़ लगाते हैं परिवार की साथ में, अच्छे समय बिताते हुए हंसते हुए फ़ोटोज़ लगाते हैं, तो हमेशा खुशियाँ जो हैं वो घर में बनी रहती है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी ईस्ट और जो नॉर्थ डायरेक्शन रहता है, यहाँ पर आपको अपने घर में फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर हम फोटोज़ लगाते हैं जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में, तो घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, तो वहाँ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और साउथ वेस्ट वॉल पे आपको अपने घर में अच्छी तस्वीरें लगानी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो आज का टिप आपके लिए, और साथ ही साथ आपको राशिफल भी संचिता जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी। नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।